Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. आप लोग अगर स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है, वो साउंड सिस्टम के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार कर सकते हैं, वो सारा के लिए एक जेएसबी इलेक्ट्रिक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा डिटेल्स आपको लगभग मिल जाएगा। कनेक्शन की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक का हर रेंज का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप स्टेबलाइजर कैटेगरी के रेंज पर आप व्यू ऑल करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर, कनेक्शन डायग्राम, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप कनेक्शन को क्लिक कर और व्यू डिटेल्स पर चले जाएं। और इसके बाद रीड आएगा, आप रीड को क्लिक करें तो देखिए ये 62-300 वोल्ट का कनेक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं, 92-300 कैसे कर सकते हैं, इस तरह से आप हर लगभग रेंज का कनेक्शन आप यहां से ले सकते हैं। और एक अच्छा सपोर्टिंग ऐप है तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बतला दिया था टोटल सामान के बारे में, ये दो एलईडी भी लगेगा, और ये एलईडी जब इसमें आप सेट करेंगे तो ये जो रबर टाइप का आता है इसको गोरमेट कहते हैं, और ये इसके अंदर आपको सेट कर लेना है जिससे कि एलईडी को पुश करने में, लगाने में सुविधा होगा। इस तरह से आपको लगा लेना है। इसका देखिए ये 8 नंबर वायर है, 8 नंबर वायर यानी 8वां लूप है ट्रांसफार्मर का। इसके साथ हमने एक वायर एक्स्ट्रा सोल्डिंग कर दिया है जो डीपीडीटी के ऊपर जाएगा, और ये 8 और इस रोटरी स्विच का 1 नंबर जो इसका पिन है ये 1 नंबर है, तो 1 नंबर पर इसको सोल्डिंग कर देना है। इसी तरह आगे 2 नंबर है, और इस ट्रांसफार्मर का ये 7 नंबर लूप है, तो ये चला जाएगा 2 नंबर पर रोटरी स्विच के। ये सीक्वेंस में ही सारा वायर निकला हुआ है, आप भी वाइंडिंग करेंगे तो सीक्वेंस में ही निकालेंगे कि सेलेक्ट करने में आसानी हो। ये इसके बाद है 8, 7, 6, 5, सोल्डरिंग ड्राई नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर स्क्रू भी आता है कसने के लिए, लेकिन स्क्रू का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, डायरेक्ट सोल्डरिंग कर दीजिए, क्योंकि वो लूज भी हो जाता है, और सोल्डरिंग हो जाने के बाद लूज होने का संभावना नहीं रहता है। इस तरह से ये आपका सोल्डरिंग हो गया। अब जो है ये कॉमन से एक वायर आपको सोल्डरिंग करके और निकाल लेना होगा।
इसी के साइज में, जितना साइज में एलो का है, लगभग मान के चलिए ये 4 इंच का टुकड़ा होगा, 4 इंच भी ज्यादा है, 3 इंच से भी काम चल जाएगा, चूंकि डीपीडीटी आपके बगल में ही होगा इसके। तो इस तरह से ये आपका सोल्डरिंग हो चुका है। इस पिन को निकाल दीजिए और यहाँ स्क्रूब होगा, स्क्रूब से आप इसको यहाँ पर टाइट कर लीजिए, छोटा छोटा 2 स्क्रूब मिलेगा। ये रोटरी स्विच आपका फ्री नहीं होना चाहिए, 8 पर जाके रुक जाना चाहिए और इधर 1 पर जाके ये स्टॉप हो जाना चाहिए। ये अगर चारों तरफ घूम जा रहा है तो रोटरी स्विच गड़बड़ है, वैसे रोटरी स्विच का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम डीपीडीटी का ऑलरेडी ये कनेक्शन हम कर चुके थे, तो ये डीपीडीटी हम यहाँ डाल देते हैं। अब यहाँ ध्यान क्या देना है आपको, ये जो डीपीडीटी का बीच वाला पॉइंट है, उसमें आपको ये इधर फ्यूज से जो सप्लाई आप लाएंगे, मेन सप्लाई इनपुट, तो सप्लाई के साइड साइड में जो कॉमन रोटरी स्विच के जो कॉमन से वायर निकल रहा है, ये ब्लू कलर वाला, पीला वाला तो हमने वायर के साथ जोड़ा है 8 नंबर के साथ, तो उसको इनपुट सप्लाई अगर इस पिन पर दे रहे हैं तो इसको उसके बगल वाले पर आपको सोल्डरिंग करना होगा। इसको हम यहाँ सोल्डिंग कर दे रहे हैं। और पीला वाले को यहाँ कर दे रहे हैं। और इसके बगल से आउटपुट निकलेगा और इस पिन पर इनपुट सप्लाई आएगा डीपीडीटी के, बस इतना ही ध्यान रखना है। ऑलरेडी यहाँ पर येलो वाला जो है वो है आउटपुट, ये आउटपुट जो है ये रेड वाला है, ऑलरेडी सोल्डरिंग किया हुआ है, और ये जो है येलो कलर जो है इसके बाद सेकेंड में आरसी है, यानी रोटरी का जो कॉमन से जो वायर आ रहा है, रोटरी के कॉमन से, तो कॉमन से जो वायर आ रहा है वो ये हमने येलो कलर यहाँ यूज किया है, तो जो ये येलो कलर है वो इस पे आ जाएगा। देखिए ये येलो कलर यहाँ आ गया, देखिए ये एलईडी है हमारा रेड और ग्रीन, इसमें देखिएगा ध्यान से, तो एक लेग बड़ा होगा एक लेग छोटा होगा, तो ग्रीन का भी छोटा वाला और रेड का भी छोटा वाला हम आपस में यहाँ ट्विस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल आएगा, एसी का जो न्यूट्रल इसमें सप्लाई आ रहा है वही बीच में न्यूट्रल डायरेक्ट आएगा, और बस इसको आपको यहाँ लगा देना है। देख के ध्यान से, ऑटो कट के साइड में रेड कलर जाएगा और मेंस के तरफ पावर की तरफ ग्रीन जाएगा।
रेड हो गया, ग्रीन हो गया, इसमें आपको ग्रीन कलर के लिए मैंने ग्रीन का इस्तेमाल कर दिया है, और रेड के लिए ब्लू वाला कलर हमने एलईडी के इस पिन से निकाल कर यहाँ से ज्वाइंट करके मैं लाया हूँ। तो इस वायर को रेड वाले एलईडी के साथ और ग्रीन वाले वायर को ग्रीन के साथ, आप एक भी कलर से कर सकते हैं, लेकिन बार बार देखना पड़ेगा, और ऐसे आप फ्री होके काम कर सकते हैं अगर वायर ही सेलेक्ट कर लेते हैं कलर के हिसाब से। और ये जो दो वायर है, ये वाला और ये वाला, ये तो कॉमन है, कॉमन आपको पता है, ये जो ब्लैक वाला है ये कॉमन है, तो इस वायर के ऊपर ही ये सोल्डरिंग कर देना है। ये इसके ऊपर कहीं भी आप देखिए, ये प्रिंट जहां भी गया है उसके साथ आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, खाली ध्यान रहे कि कहीं आपस में इधर उधर। और ये जो 12 वोल्ट वाला जो इधर देखेंगे प्रिंट है, उस 12 वोल्ट वाले पर ये डबल वायर जो यहां से निकल रहा है 10 वोल्ट के लिए, वो वाला आपको यहाँ ज्वाइंट कर देना है। तो आपके इस किट का पूरा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। ये जो एलईडी है इसके अंदर आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं डालना है ऑलरेडी, यहाँ पर 100K का रेजिस्टेंस ऑलरेडी यूज किया गया है एलईडी के लिए, ये वाला और ये वाला। बस एक आपको नट बोल्ट यहाँ यूज करना है, एक इस तरह का स्टैंड टाइप का ये आता है, ये डाल दीजिएगा, और डालने के बाद इसको आप एक वायर आपको और इसके साथ अभी लेना होगा जो सप्लाई का आएगा। तो पहले हम इसके लिए यहाँ फ्यूज बेस को डाल देते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। और ये जो है मेंस सप्लाई कोड का वायर है, तो इसको हमें इस स्विच के ऊपर लाना है। ये प्लस वाला हमने ये स्विच पर डाल दिया, और इसका ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल हम ये वाला इसके साथ ही जोड़ेंगे जो किट के साथ न्यूट्रल आ रहा है। न्यूट्रल सबका एक ही हो गया, यही न्यूट्रल आके यहाँ हमारे एलईडी पर भी आ रहा है, और इसे हम ये 5-pin सॉकेट के ऊपर न्यूट्रल वाले पर सोल्डरिंग कर देंगे। आप स्क्रू भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन सोल्डरिंग कर देने से क्या होता है कि लूज कांटेक्ट का मामला ही खत्म हो जाता है। और ये जो रेड वाला है ये आउटपुट का जा रहा है,
तो ये कनेक्शन लगभग हमारा हो चुका है। अब इसे आप यहाँ टाइट कर सकते हैं। ये वीडियो में हमने ज़्यादा देर रोका नहीं है, सिर्फ सॉकेट लगाने के लिए दो चार मिनट के बीच में रोका था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये लगभग कनेक्शन आपका हो चुका है। अब क्या करना है कि इस मीटर के अंदर हमें जोड़ना है। तो ये रेड वाला जो निकला है आउटपुट में यहाँ चला गया है और वही वायर यहाँ के मीटर के लिए आ गया है। इस ब्लैक के साथ न्यूट्रल मुझे इसको भी देना है और इसे एलईडी के बीच में भी डालना है। तो एक वायर यहाँ हम ज्वाइंट कर लेंगे इसके साथ। न्यूट्रल एलईडी को भी चला गया और यही न्यूट्रल जो है यहाँ वो हमें वोल्ट मीटर के अंदर भी डाल देना है। ये सारा कनेक्शन तो हो चुका। अब देखिए हमें सप्लाई जो है इस फ्यूज वाले इस पिन से लाके और इस डीपीडीटी के ऊपर डालना है, जो कि अभी हमने लास्ट में रोका था कि कन्फ्यूजन नहीं हो, देखने में कुछ आसान हो जाए, चूंकि टोटल कलर एक ही है वायर का। ये हो चुका है, इसे भी ड्रेसिंग करके इसी के साथ आप दे दें ठीक रहेगा। तो मैं इस वायर को इसी के बीच से निकाल ले रहा हूं। इधर जो खाली पॉइंट बचा हुआ है यानी रोटरी का जो कॉमन है उसके बगल वाले में डाल देना है। अगर ये आप उल्टा डालेंगे तो यही होगा कि डीपीडीटी उल्टा काम करेगा, कोई शॉर्ट नहीं होगा। तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए इस पर अब हम लाइन देते हैं। सबसे पहले तो पूरा बनाने के बाद आपको थोड़ा बॉडी टेस्ट कर लेना है मल्टीमीटर से कि बॉडी में तो आ नहीं रहा है, कोई शॉर्टफॉल नहीं है। इसके बाद आप आराम से तब जाके सप्लाई दीजिए। और देखिए ये हम स्विच ऑन कर रहे हैं लेकिन ये कट जा रहा है। तो देखिए ये जो कट हो रहा है ये 180 के आसपास ही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम 200 पर कट करेंगे, क्योंकि टीवी वगैरह के लिए 200 काफ़ी है।
तो हम यहाँ जो प्रीसेट है इस प्रीसेट से इसको एडजस्ट करके देखते हैं। आ गया, फिर हम इसको जो है बड़ा, चूंकि वोल्टेज हमारे यहाँ अभी ज्यादा है तो स्टेप डाउन में देखिए ये इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि एक स्टेप में ही ये कट कर लेता है और कट छोड़ भी देता है। तो ये लगभग थोड़ा सा और एडजस्टिंग खोज रहा है क्योंकि हमें 200 पर करना है, यानी 200 से क्रॉस करे वैसे हमारा कट हो जाए। देखिए ये 200 पर है, यानी अब ये हमारा एडजस्टमेंट सही हो गया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।